बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वाइट तहरी की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए आप लेंगी आधा किलो चावल हैं जो मैंने भिगो के रख दिए हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये बासमती राइस हों, जो घर में होते हैं वही आप ले लीजिए। उसके बाद मैंने लिया है 1/4 कप ऑयल है। उसके बाद ये मैंने लिया है एक तेज़पात है, ये एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, 1 टीस्पून ये साबुत ज़ीरा है सफ़ेद, ये हैं 7-8 लौंगे और ये 8-10 काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची है। उसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ली है, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है और 1 टीस्पून मैंने लहसुन लिया है और ये 2 बड़े साइज़ के आलू हैं। ठीक है, अब इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगी कि आप एक पैन में ऑयल डालेंगी और उसके बाद ये गरम मसाला डाल दीजिएगा और फिर ये प्याज। जब ये प्याज फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब ये देखिए प्याज फ्राई हो गई है, तो पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। इसे भून लीजिए और उसके बाद अब आप इसमें आलू डाल देंगे और नमक। आलू जब गल जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं राइस डालूंगी। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये जब आलू गल जाएंगे, ये देखिए ये अब गले आलू हो गए हैं। ठीक है, अब आप इसमें चावल डाल दीजिए। चावल डाल के एक बॉयल देख के और फिर इसको दम पे लगा जाएगा। इसमें मैं ज़्यादा पानी नहीं डाली क्योंकि ये पहले से भीगे में, इसमें थोड़ा पानी है, तकरीबन 1 कप के बराबर है इसमें पानी और चावल 15 मिनट भीग चुके हैं, तो इसलिए अब मैं इसमें और नहीं पानी डाल रही, इसी में ये पकेंगे। और इसको कवर करने से पहले नमक वगैरह सब चेक कर लीजिएगा, मेरे लिहाज से बिल्कुल ये सही नमक है। ठीक है, अब आप इसको एक बॉयल के बाद दम पे लगा दीजिएगा और इसको कवर कर दीजिएगा। बस अब ये देख लें कि वाइट तहरी तैयार है। मैंने इसको कम से कम 15 मिनट के लिए दम पे लगाया था और इसको रायते सलाद चटनी के साथ खाइए और ये बहुत मज़ेदार, बिल्कुल सादा इसका टेस्ट होता है और बहुत ही मज़ेदार होती है ये। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।